वायुसेना की क्षमता को बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL से 6 डॉर्नियर 228 विमान खरीदे जाएंगे। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 667 करोड़ रुपए की लागत से 6 डॉर्नियर विमान खरीदने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक सौदा किया है। रक्षा मंत्रालय ने सौदे की घोषणा करते हुए कहा कि 6 विमानों को शामिल करने से दूरस्थ क्षेत्रों में भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमता में और वृद्धि होगी। नमस्कार, मेरा नाम अपराजिता सिंह है और आप देख रहे हैं इंडिया सेंटिनल। डॉर्नियर 228 विमान की खासियत की बात करें तो ये एक ट्विन टर्बो टॉप शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग यूटिलिटी विमान है जिसे भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। HAL ने डॉर्नियर 228 के बारे में बताते हुए कहा कि ये एक अत्यधिक बहुमुखी बहुउद्देशीय हल्के परिवहन विमान है। डॉर्नियर 228 विमान बहुउद्देशीय हल्का परिवहन विमान है। ये विमान उपयोगिता के मामले में कंप्यूटर परिवहन, तीसरे स्तर की सेवाओं, एयर टैक्सी संचालन, तट रक्षक कर्तव्य और समुद्री निगरानी जैसी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इसका प्रयोग प्रदूषण निवारण, सैनिकों के परिवहन, हवाई सर्वेक्षण, खोज और बचाव, कार्गो और रसद सहायता के लिए भी किया जा सकता है। गौरतलब है कि डॉर्नियर 228 का कॉकपिट चालक दल के 2 सदस्यों के लिए डिजाइन किया गया है और इसके अलावा एयर कंडीशनड कैबिन में 17 यात्री भी बैठ सकते हैं। आपको बता दें कि ये विमान पूर्वोत्तर के अर्ध तैयार और छोटे रनवे और भारत की द्वीप श्रृंखलाओं के लिए बेहद अनुकूल है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार डॉर्नियर में 5 ब्लेड वाले समग्र प्रोपेलर के साथ एक उन्नत इंजन भी होगा। गौरतलब है कि HAL को डॉर्नियर विमानों का ये ऑर्डर रक्षा मंत्रालय द्वारा 70 HTT 40 बेसिक ट्रेनर विमानों के लिए दिए गए 6,838 करोड़ के अनुबंध के बाद आया है। नया प्रशिक्षक विमान, जिसकी काफी समय से जरूरत थी, वायुसेना के पायलटों के प्रारंभिक प्रशिक्षण को और बढ़ावा देगा। आपको बता दें कि डॉर्नियर 228 हल्के यूटिलिटी विमान को भारतीय वायुसेना में ऑफिशियली जनवरी 2020 में शामिल किया गया था। वायुसेना द्वारा साल 2015 में 14 डॉर्नियर 228 विमान खरीदने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक करार किया गया था और इसके तहत वायुसेना को पहला विमान 19 नवंबर 2020 को सौंपा गया था और इस समय वायुसेना के पास 50 यूटिलिटी विमान डॉर्नियर 228 मौजूद हैं। गौरतलब है कि सिर्फ वायुसेना ही नहीं बल्कि इंडियन पोस्ट गार्ड और नौसेना भी इन विमानों का इस्तेमाल करती है। अभी खबरों में बस इतना ही। आगे सेना से जुड़े खबरों के लिए देखते रहें इंडिया सेंटिनल्स।